Hello, my dear students. Today we are going to take step third for the English for beginners. So, dear students, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किसी sentence को जो है कैसे frame करते हैं, किसी वाक्य को कैसे बनाते हैं. तो कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए subject क्या होता है, object क्या है, main verb क्या है, helping verb क्या है और other words क्या है. तो सबसे पहले हम subject की बात करेंगे. Subject जो है, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जो पर्सन डूअर होता है, डूअर यानी कि किसी काम को करने वाला. जैसे मैं सेंटेंस बोलती हूँ यहाँ पर, आई एम वॉशिंग फ्रूट्स. तो इस सेंटेंस में जो है आई एम वॉशिंग फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स कौन धो रहा है, आई. तो आई कौन है यहाँ पर, डूअर है. डूअर यानी कि करता, करता यानी कि काम करने वाला. तो हु से जो है हमें जो है सब्जेक्ट का जवाब मिल जाता है, यानी कि जो काम करने वाला पर्सन होता है सेंटेंस के अंदर वही हमारा सब्जेक्ट होता है. जैसे कि सेंटेंस में आप क्लियरली देख सकते हैं आई एम वॉशिंग फ्रूट्स, तो फ्रूट्स कौन वॉश कर रहा है, आई यानी कि मैं. तो मैं क्या है यहाँ पर, आई क्या है, सब्जेक्ट है. फिर आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट पर. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है. यहाँ पर वॉशिंग का काम किस पर हो रहा था, फ्रूट्स पर हो रहा था. तो फ्रूट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. आई एम वॉशिंग फ्रूट्स. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक. तो मैं पढ़ क्या रही हूँ, रीड क्या कर रही हूँ, अ बुक. तो अ बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. फिर हम बात करते हैं मेन वर्ब्स की. जब भी हम जो है कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें जो है वर्ब लगाते हैं. अब ये वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी कि क्रिया. क्रिया को जो है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें एक्शन वर्ड भी कहा जाता है. एक्शन वर्ड यानी कि वह वर्ड जिससे किसी काम करने का पता चलता है उसे हम जो है वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए ईट लिखा है. ईट मीन्स होता है खाना. तो ईट के जो है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं यहाँ पर, ईट, एट, ईटन. अगर हम इसके साथ आईएनजी लगा दें तो ये बन जाएगा ईटिंग. तो जब हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो हम जो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया के जो है अलग अलग वर्ब की फॉर्म का जो है हम यूज वहां पर करेंगे. तो कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले आपको जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की भी नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब सिखाऊंगी. उसके बाद आप जो है तरह तरह के सेंटेंसेस आप इजिली बना पाएंगे. तो यहाँ पर जो है मेरा पर्पज आपको बताने का क्या है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है दो तरह की वर्ब होती है. एक होती है मेन वर्ब. मेन वर्ब यानी कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब वाली जो है वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो आपको जो है कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं, जैसे यहाँ पर है आई एम वॉशिंग फ्रूट्स, तो यहाँ पर हमने एक जो है क्रिया, हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, वॉशिंग का काम कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर वॉश के साथ आईएनजी लगाया हुआ है. जैसे यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म है तो वॉश के साथ जो है आईएनजी लगाकर यहाँ पर वॉशिंग बना है. तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब्स कौन सी होती है. उसके बाद मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताती हूँ. हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जो है मैंने अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था और आपको इन सभी वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था. डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल. और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से पर्सन के साथ जो है हम डू, डज, डिड और इन सबको जो है यूज करते हैं. तो किसी भी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं हमारी जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स. सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज आर द मेन वर्ब्स. क्रिया जो है वो हमारी मेन वर्ब रहेगी और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे. अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में, जैसे कि हम जो है जब प्रेजेंट के बारे में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो डू, डज, इज, एम, आर का जो है यूज करते हैं. पास्ट के बारे में बनाएंगे तो डिड, हैड और वॉज, वर का यूज करेंगे. फ्यूचर के बारे में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो विल और शैल का यूज करते हैं. तो इस तरह से ये जो वर्ब्स हैं हमें जो है इनका यूज पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियरली बताया था. आई होप कि आपने जो है लर्न कर लिया होगा. तो इनकी हेल्प से जो है हम अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को इजिली फ्रेम कर सकते हैं. सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. उसके बाद हम बात कर रहे हैं अदर वर्ड्स की. अदर वर्ड्स को जो है शॉर्ट में हम जो है ओ डब्ल्यू भी जो है कहते हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको. सो अदर वर्ड्स क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अलावा जिन वर्ड्स का यूज होता है उनको हम जो है अदर वर्ड्स मानते हैं. तो सिंपली कह सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द सेंटेंस. सो नाउ यू हैव फुल नॉलेज अबाउट दिस.
कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मेन वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज अदर वर्ड्स। अब मैं आपको जो है, जब आपको इनका मतलब समझ में आ गया है कि ये जो है क्या है सभी वर्ड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर बताती हूँ कि इनकी हेल्प से जो है सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, जैसे कोई भी जो है हम डिश बनाते हैं, उसको बनाने की एक रेसिपी होती है, या कुम्हार जो है कोई भी बर्तन बनाता है, या कोई टॉय जो है कोई बनाता है, तो उसका जो है एक सांचा जो है होता है, एक स्ट्रक्चर जो है होता है। ऐसे ही जो है सेंटेंसेस को भी जो है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स का जो है यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको अलग अलग तरह के जो है स्ट्रक्चर्स पता है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, तो आप ढेरों जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपको इंग्लिश बोलने में लिखने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स भी सिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। स्ट्रक्चर्स हमें जो है टेंसेस से मिलते हैं मेनली, तो मैं आपको टेंसेस भी सिखाने वाली हूँ आगे, जिससे आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं हम इनकी हेल्प से, तो हर एक सेंटेंस को बनाने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, मैं पार्क में एक किताब पढ़ रही हूँ। तो इस सेंटेंस को अब हम ध्यान से देखेंगे और जो चीजें हमने ऊपर सीखी हैं उन्हीं चीजों को हम इसमें ढूंढेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की थी कि काम करने वाले पर्सन को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं पार्क में एक किताब पढ़ रही हूँ, तो बुक जो है यानी कि किताब को कौन पढ़ रहा है, मैं, यानी कि मैं क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने सीखा था ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए पढ़ा क्या जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, एक किताब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब की बात की थी मैंने, क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड क्या है, क्या किया जा रहा है किताब का, पढ़ा जा रहा है, तो पढ़ना यहाँ पर क्या है वर्ब है। उसके बाद मैंने आपको जो है हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम अभी जो है स्ट्रक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स जो है क्या है, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को जो है ढूंढ लिया है, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है, वर्ब को ढूंढ लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड में जो है हमारे पास आ जाता है पार्क में, तो पार्क में हमारे लिए जो है अदर वर्ड्स बनेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है किस तरह से जो है बनेगा इस सेंटेंस के लिए देखिए। सबसे पहले अगर मैं इस सेंटेंस की जो है इंग्लिश जो है पढ़ना चाहती हूँ या लिखना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब क्योंकि इस सेंटेंस के एंड में जो है रही हूँ लगा हुआ है, अगर रहा है, रही हूँ, रहे हैं लगा हुआ होता है, तो हमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से हमारे पास तीन ऑप्शन है, इज, एम, आर, यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो हमने यहाँ से तीन हेल्पिंग वर्ब लिए हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। उसके बाद जो है प्लस करके हमें जो है मेन वर्ब लगानी है। अब यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की हो रही है। तो जब जो है हम इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें रहा है, रही हूँ, रहे हैं लगता है, तो हम जो है यहाँ पर वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। वी हैव टू टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस आईएनजी। तो हमने जो है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है मेन वर्ब में जो है क्या रखा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को लिया है। उसके बाद जो है हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज पर काम किया जा रहा है, तो किस चीज पर काम हो रहा है यहाँ पर, किस चीज पर पढ़ा, किस चीज को पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है, तो किताब हमारे लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो दूसरे वर्ड्स बच गए यानी कि पार्क में, वो हमारे लिए अदर वर्ड्स का काम करेगा। तो अब चलिए इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम जो है इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, काम करने वाला पर्सन कौन है इस सेंटेंस में, किताब कौन पढ़ रहा है, मैं, तो मैं के लिए हमने वर्ड यूज किया आई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से रहा है, रही हूँ, रहे हैं के हिसाब से तीन हमारे पास ऑप्शन है, इज, एम और आर। तो मैं के साथ हमेशा जो है एम आता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आई के साथ जो है हमेशा क्या आता है, एम आता है। तो हमने यहाँ पर जो है एम लगा दिया। इन तीनों ऑप्शंस में से हमने एम को चूज किया। आपको तीनों एक साथ नहीं लगाने हैं, तीनों में से हमें एक ही लगाना है। तो मैंने एम लगाया है आई के साथ। फिर उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ना यानी कि रीड,
और रीड के साथ मुझे क्या लगाना है, आईएनजी। तो मैं जब रीड के साथ आईएनजी लगाऊंगी तो रीडिंग बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्या पढ़ा जा रहा है, एक किताब पढ़ी जा रही है, तो एक किताब की इंग्लिश क्या होगी, अ बुक। फिर उसके बाद आ जाती है बारी अदर वर्ड्स की। अदर वर्ड्स जो है हमारे लिए यहाँ पर जो है, यानी कि और कौन से वर्ड्स बच गए हैं, पार्क में, मे को कहते हैं हम इन द पार्क, तो पार्क में की इंग्लिश क्या बनेगी, इन द पार्क। सो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनके जो है देखो तैयार है एक स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो ये स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया है, आई एम रीडिंग अ बुक इन द पार्क। तो इस तरह से हम इजीली जो है, अगर हमें जो है नॉलेज है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, तो हम इस तरह से जो है ढेरों जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बड़े इजी वे में मैं आपको जो है सिखाऊंगी, और आपको जो है कब जो है सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू डू अ लिटिल हार्ड वर्क एंड यू विल लर्न हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे डियर स्टूडेंट्स। सो आप सभी जो है इस तरह से ये आप जो है आज रिवाइज कीजिए, एंड सून आई विल कम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।